बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रेडी डॉट पी के एंड इलम की दुनिया। हम आपके लिए लाते हैं जॉब्स के रेलिवेंट जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आती है, जो कोई वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, हम आपको ज़रूर उस बारे में बताते हैं। आज आपको जॉब्स के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट ने उन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की हैं, तो इस बारे में हम आपको तमाम तफसील अभी बताएंगे। इसके लिए आप देखते जाएँ इस वीडियो के एंड तक। आज की जो ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो एक इदारे से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है, पाकिस्तान की ये कंपनी है। मैं इसके बारे में आपको मजीद बताता चलूँ। FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड वन ऑफ द मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमांड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी के साथ इनका लिंक है। कमीशन एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1966 में ये बनाई गई थी, और इसके बाद FWO इंक्लूड्स एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स एंड सिविलियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो इसके बारे में एक ब्रीफ सा मैंने आपको कंसाइज सा मुख्तलिफ सा जो एक तारफ था वो आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता चलूँ इस इदारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, और आप उनके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करें, अप्लाई कैसे करना है, और इसके लिए लास्ट डेट कौन सी है, तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पहली जॉब उन्होंने अनाउंस की है वो एक वैकेंसी है ऑफिस सेक्रेटरी की। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीए या बीएससी, और उसके बाद है डिप्टी मैनेजर डॉक्टर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम बीएससी होनी चाहिए, और उसके बाद असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर दो वैकेंसीज हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी होनी चाहिए। मैनेजर प्लानिंग एक वैकेंसी है, उसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम बीएससी होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एक वैकेंसी है, आपकी क्वालिफिकेशन बीएससी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और मैनेजर क्यूएस एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम बीएससी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और डिज़ाइन इंजीनियर यानी टनल्स डैम, आप उसके लिए दामिर बाश, और उसके बाद इसकी जो वैकेंसीज हैं दो हैं, क्वालिफिकेशन इसकी भी आपकी बी है सिविल, और उसके बाद है CAD ऑपरेटर। तीन वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट है, और उसके साथ आपका DIT भी है, ऑटो कैड भी है। ये आपको मैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मोर जो कॉन्साइज आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वैकेंसीज कितनी है, कौन सी वैकेंसी है और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट की जो है एक वैकेंसी है, उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की दो वैकेंसीज हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। और उसके बाद है QA एंड QC मैनेजर एक वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी BSc है, BA, BE है, और ISO है सर्टिफिकेशन क्वालिफाइड। और उसके बाद इंचार्ज QA QC साइट, उसके लिए आपकी जो वैकेंसीज आपके लिए अनाउंस की गई हैं चार हैं, क्वालिफिकेशन BSc MSc सिविल इंजीनियरिंग। लैब टेक्नीशियन के लिए तीन वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन DAE सिविल, आपके पास ये एक डिप्लोमा होना चाहिए। और साइट इंजीन इंचार्ज HSE, उसके लिए एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन आपकी BS है मिनिमम। और उसके बाद है सीनियर सर्वेयर एक आपकी वैकेंसी है, इसके लिए है BSc है, BA है, DAE सिविल इंजीनियरिंग है इसकी क्वालिफिकेशन। और इसके बाद है असिस्टेंट सर्वेयर, और उसकी तीन वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन BSc है, BE है या DAE। और उसके बाद सर्वेयर हेल्पर की चार वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन DAE सिविल इंजीनियरिंग है। सर्वेयर की तीन वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन DAE सिविल इंजीनियरिंग है। और सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर की एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन BSc सिविल इंजीनियरिंग है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर दो वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन BSc सिविल इंजीनियरिंग प्रेफरेबली MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। साइट इंजीनियर की छः वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन MBSc सिविल और DAE सिविल, इनमें से कोई भी एक हो। जूनियर साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर की तीन वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन जो आपके इसके लिए आपको क्वालिफाई करना है अगर, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए DAE सिविल होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर की जो आपके लिए जॉब अवेलेबल है वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, एक इसके लिए वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन BSc इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद ट्रेनी इंजीनियर है एक वैकेंसी, इसकी भी है, क्वालिफिकेशन BE BSc है, फ्रेश ग्रेजुएट। और स्टोर कीपर की दो वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन उसके लिए BA है, MA है, MS ऑफिस कोर्स है। और असिस्टेंट स्टोर कीपर चार वैकेंसीज हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट MS ऑफिस कोर्स। और प्लांट इंचार्ज की एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन BE DAE सिविल। उसके बाद है बैच प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी, जो क्वालिफिकेशन उसके लिए एक ये वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन BE BTEC है, BE मैकेनिकल है। और उसके बाद है असिस्टेंट बैच प्लांट ऑपरेटर एक वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन DAE मैकेनिकल।
और क्रश प्लांट ऑपरेटर की एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन उसके लिए बीटेक बीई मैकेनिकल है। असिस्टेंट क्रश प्लांट ऑपरेटर उसके लिए जो आपकी वैकेंसी ये आपके लिए है एक है। क्वालिफिकेशन डीई मैकेनिकल है। और उसके बाद है वेल्डर की ऑपरेशन जो वैकेंसीज चार वैकेंसीज हैं इसके लिए, यानी कि चार आसामी हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिक या मिडल होना चाहिए और मिनिमम जो आपके पास एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। असिस्टेंट वेल्डर की भी 4 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिक मिडल है, मिनिमम ये जो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन MBA BBA BSc MS ऑफिस और प्लम्बर उसके लिए जो वैकेंसीज हैं 2। क्वालिफिकेशन मैट्रिक और मिडल कुक 3 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिक मिडल और वेटर की जो वैकेंसीज हैं 6 हैं। मैट्रिक और मिडल इसकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम। ऑफिस वाइज 6 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिक या मिडल और इनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोई 5 ईयर्स का। और तंदूरची के लिए 3 वैकेंसीज हैं मैट्रिक या मिडल। स्वीपर के लिए 4 वैकेंसीज हैं। लिटरेट टोटल ये वैकेंसीज जो हैं फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO में इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 93 बनती हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का अगर आपने इसे जिन्होंने अप्लाई करना है उसके लिए आपने विजिट करना है FWO.com.pk और आपके पास जो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की वो 17 जनवरी 2021 है। वैकेंसीज जो आपकी इसकी लोकेशन होगी जहाँ पर आपको ये जॉब्स करना पड़ेंगे आपकी ड्यूटी होगी दिया मीर भाषा डैम चिलास पर आपकी ये ड्यूटी लगेगी। तो जो कैंडिडेट्स अट्रैक्टिव इसके लिए एक अच्छा सैलरी पैकेज आपको दिया जाएगा। जो आप में से उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन जॉब्स को गेन करना चाहते हैं तो वो बताए गए तरीके पर अमल करें। और इस बारे में आपको अगर लिंक विज़िट करना है कि कौन से लिंक पर आपको मज़ीद इसके बारे में इन डेप्थ डिटेल्स मिलें और आप अप्लाई कैसे करें कहाँ पर अप्लाई करें उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया। आप उस लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद अप्लाई करते जाएं और जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त जब तक आपके लिए कोई नई अपडेट लेकर किसी नई जॉब के बारे में हाजिर नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।